हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बीसीए की इस क्लास में हम लोग कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था कि कैसे कैसे बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फिर असेंबलिंग ऑफ क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक, लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद अगला आपका है, अगला टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब इसको जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें यह जानना पड़ेगा कि कंपनी का फॉर्मेशन लगभग होता कैसे है। ठीक है, तो कंपनी का फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, लीगल फॉर्मेलिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, देखिए अब ये तो बट ऑब्वियस है नाम से ही कि लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो किसी भी काम को लीगली करने के लिए उसके पूरे कागजात होने चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए, नेम ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, कितने कैपिटल से आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, किस जगह पे, एड्रेस वड्रेस सब होना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। अब लीगल फॉर्मेलिटीज में एक चीज और आता है, ठीक है, उसमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी का क्या मतलब हो गया? ठीक है, अब देखिए यहां पे हो गया, जैसे मान लीजिए आपने अपने कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया तो कंपनी बन गई। ठीक है, अगला आपने कर लिया पार्टनरशिप के तहत तो पार्टनरशिप बन गया। ठीक है, और एक कंपनी ऐसी होती है जिसके लिए कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होता है आपका सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए भाई, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें अपने आइडिया को, ध्यान से सुनिएगा, हमें अपने आइडिया को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आइडिया को, अगर हम एज अ प्रमोटर हैं तो उसे क्या करना है, उसे एग्जिस्टेंस में लाना है, उसे सामने लाना है, समकक्ष लाना है। ठीक है, एकदम साफ साफ सबको दिखे, समझ में आए। ठीक है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ें हो गई, आप जिस तरह के उसमें कराएंगे तो वो हो जाएगा पार्टनरशिप, यहाँ पे फर्म। ठीक है, क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब चीजें आपकी टाइप्स ऑफ कंपनी में आ गया। और अब देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे जरूरी है, जैसे ही आप कंपनी का काम शुरू करते हैं, जैसे भी कंपनी का काम शुरू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो देखिए ये आपका हो जाता है सेपरेट लीगल एंटिटीज। ठीक है, अब सेपरेट लीगल एंटिटीज का यह मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब भी क्या होती है, जब भी हमने क्या कहा, अपने आइडिया को जब भी एग्जिस्टेंस में लाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कोई भी कंपनी क्या हो जाती है फिर सेपरेट लीगल, मतलब कि ओनर का अस्तित्व अलग हो गया और कंपनी का अस्तित्व अलग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब कंपनी के किसी भी पैसे पे ओनर का कोई भी हक नहीं है।
ठीक है, हमने आपको बताया था या नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए, बता रहा हूँ कि ओनर के किसी भी चीज पे कंपनी का और कंपनी के किसी भी चीज पे ओनर का हक नहीं है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अब देखिए मान लीजिए आपने कहा सर मीटिंग हुई तो, ठीक है आपने कहा सर मीटिंग हो रही है, अब कंपनी तो जाएगी नहीं मीटिंग करने भाई, सही बात है, बिल्डिंग तो उठ के जाएगी नहीं मीटिंग करने, तो क्या होता है उसके लिए ओनर, पहली बात ओनर या कोई मैनेजर या कोई डायरेक्टर, ठीक है, अब इसको कंपनी पावर देती है कि मेरे बिहाफ पे आप सारे डिसीजन लेंगे, सारे रूल रेगुलेशन बनाएंगे, सारे पब्लिक डीलिंग करेंगे, सारे क्लाइंट से मीटिंग करेंगे और डिसीजन भी लेंगे। ठीक है, पर अब कंपनी कैसे पावर देगी, तो कंपनी ऐसे पावर देती है दोस्तों कि आप जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके, ठीक है, तो जब भी रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपको सब चीज लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं या ये वो व्यक्ति है जिसे हम पावर दे रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे जाके क्या करेगा, ये मीटिंग करेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति जाके मीटिंग करेगा, अब वहां पे जैसे मीटिंग हो गई सब चीज हो गया तो कंपनी की मोहर लगती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, कंपनी की मोहर लगती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सील, तो वो मोहर लगेगी और उसके अगल बगल या ऊपर, ठीक है, क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर यहां लिख दे रहे हैं, इसका मतलब इस केस में डायरेक्टर के पास पावर है कि वो कंपनी को क्या करेगी, कंपनी की जगह डिसीजन लेगा। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई। ठीक है, और क्या करते हैं, आपको रजिस्ट्रार के सामने क्या बताना पड़ेगा, प्लेस बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको नेम बताना पड़ेगा, जैसे ही आप नेम बताएंगे तो फिर रजिस्ट्रार आपको क्या बताएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि कौन कौन सा नाम उपलब्ध है, आपने जो नाम बताया वो है कि नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर आपकी कंपनी क्या होगी, तब रजिस्टर्ड होना शुरू करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या डिसाइड होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी डिसाइड होगा कि कंपनी आप जो भी बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या काम है। ठीक है, और फिर ये सब करके, ठीक, फिर इसके बाद उसमें मेंशन होगा सेट ऑफ रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, ये भी होगा उसमें सेट ऑफ रूल फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इतना सब चीज एक डॉक्यूमेंट के तहत होता है। ठीक है, ऑल द थिंग्स इज मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्या कहा हमने, जो भी चीजें आपने बताई, जो भी चीज उसमें लिखी रहेगी वो सब एक डॉक्यूमेंट के तहत रहेगा और डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में फॉर्मेशन में हम लोग ने पढ़ लिया क्या क्या लगता है। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज में हमने देख लिया क्या क्या होता है। ठीक है, आइए
अब जब भी आप किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो जो डिटेल देते हैं उसके बारे में जो डिसीजन आता है, और फिर डिसीजन जिस बुक में लिखा जाता है जिसमें साइन रहता है और जिसमें पूरी डिटेल रहती है कि आपकी कंपनी क्या है, कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई, कितने डायरेक्टर हैं, ठीक है, किस प्रकार की कंपनी है, किस तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, तो ये सब और रजिस्ट्रार के साइन, ये सब जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखिए लिखा है, यहां लिखा है, देखिए द डिसीजन अबाउट द कंपनी रिटन इन द बुक विच इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, MOA लिखा है, ये इसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हो गया कि जो भी डिसीजन होता है, जो लिखा जाता है, ठीक है, किसी किताब में, देखिए आपने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब चीज हो गया, तो उसका भी कोई ना कोई प्रूफ आपको मिलता है ना, क्या मिलता है, कोई ना कोई प्रूफ। तो वही जो प्रूफ मिलता है, वही जो किताब होती है, उसी में जो सब चीज लिखा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ ही क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, आइए ठीक है, अब जब रजिस्टर कराते हैं ना, तो कुछ और डॉक्यूमेंट भी साथ में भरते हैं। ठीक है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू बी फिल्ड विथ रजिस्ट्रार। ठीक है, अब यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट हैं, वो रजिस्ट्रार के साथ हम लोग क्या कहते हैं, फिल करते हैं, उसको देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, पहला है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है, पहला लिखा है अ ड्यूली साइंड, क्या है भाई, मेमोरेंडम एसोसिएशन साइन होना चाहिए किसके तरफ साथ, देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहला क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, साइन होना चाहिए 7 सब्सक्राइबर, ठीक है, 7 लोगों से, किस केस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में 7 लोगों के साथ वो क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड में 7 लोग, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हो गया, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय 2 सब्सक्राइबर, साइंड बाय 2 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ
इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड क्या था, पब्लिक लिमिटेड में 7 लोग थे और प्राइवेट लिमिटेड में 2 लोग हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ठीक है, AOA अगर लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। MOA लिखेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। ये लगा होना चाहिए क्या, आ स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। अगला क्या है, अगला है रजिस्ट्रार्स लेटर फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कौन सा नाम उपलब्ध है, इसका भी जो आपको लेटर मिला होगा रजिस्ट्रार के द्वारा, ये भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। लीगल पेपर्स अबाउट योर कंपनी, साइंड बाय लॉयर, ठीक है। साइंड बाय किससे साइन होना चाहिए, लॉयर से साइन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लीगल पेपर होना चाहिए। उसमें क्या लिखा होगा कि आपकी जो भी कंपनी है वो किस तरह का काम करेगी, कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसका वर्किंग दायरा क्या है, ठीक है। अगला है लिस्ट ऑफ पर्सन हु वॉन्ट्स टू डायरेक्टर, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, साइन होना चाहिए 7 लोगों से, ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होना चाहिए, 7 लोगों से साइन होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोगों के, 2 सब्सक्राइबर से साइन होना चाहिए, किस, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अगला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का जो भी होगा वो क्या होगा, वो स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपका नॉमिनल कैपिटल कितना है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगला है रजिस्ट्रार का वो लेटर आपके पास होना चाहिए जिसमें उसने बताया हो कि आप कौन कौन नाम से कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, आप कौन कौन नाम से कंपनी बना सकते हैं, वो उसमें लेटर होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है लीगल पेपर होना चाहिए आपकी कंपनी का, जो साइंड किसके द्वारा होना चाहिए, लॉयर के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। अगला है लिस्ट ऑफ पर्सन, उन व्यक्तियों का नाम होना चाहिए जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं या जिसको आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर बने, ठीक है।
इसमें अगला है ठीक है अ रिटर्न ठीक है इन डुप्लीकेट अ रिटर्न इन डुप्लीकेट Containing particular about ठीक है particular about अबाउट डायरेक्टर्स ठीक है डायरेक्टर के लिए होना चाहिए और कौन कौन होना चाहिए डायरेक्टर मैनेजर एंड सेक्रेटरी ठीक है ये सब चीजें आपके वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रजिस्ट्री में लगेंगे जब कंपनी आप रजिस्टर करेंगे तब होगा ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रेज अ कैपिटल कैपिटल को कैसे रेज करते हैं एक बिजनेस में ठीक है पूंजी को कैसे बढ़ाएंगे पूंजी को कैसे बढ़ा के कैसे कैसे उसको यूज करेंगे ठीक है ये पढ़ेंगे और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज बिजनेस शुरू करने के क्या क्या स्टेज होते हैं ये सब पढ़ेंगे ठीक है मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।